बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना जा रही हूँ टेस्टी बम्बल मच्छी की रेसिपी। इसके लिए मैं 4 बम्बल मच्छी ली, इसके इस टाइप के पीसेस बना ली मैं, और ये है 4 मीडियम साइज की प्याज, ये भी कट कर ली। और ये गरम मसाले में ली मैं 3 दालचीनी के पीसेस और 1/2 टी स्पून शाहजीरा, 5 लौंग और ये थोड़े से जावित्री के फूल, और ये लिए 1 लेमन और 1 मुट्ठी करिया पके पत्ते, और ये 5 हरी मिर्च, इसे भी मैं कट कर ली। अब मैं गैस ऑन करके कढ़ाई चूल्हे पे रख दी हूँ और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाली हूँ। इसी में हम ये बम्बल मच्छी के पीसेस डाल के फ्राई कर लेंगे, इसे अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। अब ये पीसेस को मैं तेल में तल रही हूँ और इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है। ये फिश के पीसेस फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसको एक बॉल में निकाल लूंगी। अब मैं बम्बल मच्छी निकाल ली हूँ और वो जो मैं जो बम्बल मच्छी का तेल था मैं उसे भी निकाल दी हूँ। अब मैं दूसरा ऑयल डाल रही हूँ, ये 2 टेबल स्पून ऑयल है। वो तेल मैं इसलिए निकाली जो बम्बल मच्छी तली थी कि वो जरा काला हो चुका था, क्योंकि हम जब मलमच्छी तलते हैं तो वो तेल जरा काला हो जाता है, तो हम दूसरा तेल ये कढ़ाई में मैं डाली हूँ इसलिए। और तेल डालने के बाद तेल गर्म हो रहा है, इसी में ये मैं गरम मसाले इसमें मैं ऐड करूँगी। गरम मसाला डालने के बाद अब मैं इसी में ही ये प्याज डाल दूंगी। प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो रही है, इसी टाइम मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर भी इसमें डाल दूंगी, और इसी के साथ ये करिया पात और हरी मिर्च, इन सब चीजों को डालकर मैं प्याज को फ्राई करती जाऊंगी। अब प्याज फ्राई हो चुकी है, इसी टाइम पे मैं 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालूंगी इसमें। डालने के बाद थोड़ी देर इसे थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़ा मिर्ची पक जाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे।